पापा है, मम्मी पापा, जितने मम्मी पापा है, मम्मी पापाओं जितने नात रिश्तेदार है उनके मम्मी पापा है, उन सबसे हमारा एक ही प्रश्न है कि आप लोगों को ये कौन बता दिया कि यूपीएससी निकाल लेने के बाद इंसान जो है सीधे आदमी के रूप से भगवान के रूप में बदल जाता है। लौंडा पेट में से निकला नहीं, आप यूपीएससी के फार्म का चादर उसके ऊपर उड़ा देते हैं और बोलते हैं बेटा एक बार यूपीएससी निकाल लिए तो तीन पुश्त आराम से बैठ के खाएगी। अरे हम तीन पुश्तों का ठेका ले रखे हैं और तीन पुश्तों का इसे आराम से तो खिया नहीं पाएंगे, अधिकारी के वेतन में तीन पुश्तों खा नहीं पाएगा, उसके लिए हमको दीमक बन के देश को खाना पड़ेगा, तो हम ऐसा काम काहे करें भाई। लौंडा यहां अपना पिछवाड़ा 6-6 साल तक मुखर्जी नगर में यूपीएससी तैयारी में घिस दे रहा, बाल झड़ जा रहा है, 6 साल के बाद ऐसा लगता है कि मुंडा और पिछवाड़ा एक जैसा हो गया है, लेकिन यूपीएससी निकाल नहीं पाता, प्राइमरी मास्टर जरूर बन जाता है। फिर वही डायलॉग वो अपने बेटे को बोलता है बेटा एक बार यूपीएससी निकाल लिए तो तीन पुश्त आराम से बैठ के खाएगी। अरे तीन पुश्तों को पता चल गया वो पैदा होना कैंसिल कर देंगे, पेट ही में रह जाएंगे। और क्यों निकाले हम यूपीएससी, यूपीएससी निकाल के ऐसा क्या हो जाएगा, पावर मिलेगा, बत्ती मिलेगी, देश बदलेंगे, दुनिया बदलेंगे, टॉप ब्रेन कहलाएंगे ना, नहीं चाहिए भाई। और हाँ हम निकाल भी नहीं पाएंगे, हाथ जोड़ते। आज तक हजारों लोगों ने यूपीएससी निकाला होगा, नैतिक जिम्मेदारियों का ज्ञान बघार बघार कर इंटरव्यू क्रैक किया होगा, हर परेशानी का सोल्यूशन बताकर अधिकारी बने होंगे और अधिकारी बनने के बाद उनकी नैतिक जिम्मेदारियां सोल्यूशन जो है मुखर्जी नगर के चाय के किसी टपरी की दुकान पे छूट गया है, जो किसी नए एस्पिरेंट के शरीर के भीतर घुस जाता है और खाली वो तभी तक रहता है जब तक वो इंटरव्यू ना दे दे। मतलब इंटरव्यू के आप दिए गए जवाब का 20% भी अमल करते ना तो देश की हालत नहीं होता आजादी के बाद। मतलब 7 दशकों से मस्त भ्रष्टाचार सदगुने रफ्तार से बढ़ रहा है, बढ़िया से एकदम दंगा फसाद हो रहा है, तो क्या मतलब भाई ऐसे ऐसे टफेस्ट एग्जाम का टॉप ब्रेन लेके जब आपको एक अनपढ़ नेता के बनाए गए खोखले सिस्टम में ढोकले की तरह चबाया जा रहा है और फिर आप कहेंगे कि सिस्टम में आओगे तब पता चलेगा। अरे तो सिस्टमों सुधारेगा कौन मालिक, साला यूपीएससी निकालने वालों का तो समझ में भी आता लेकिन तैयारी करने वालों का समान में अलग भौकाल है। मतलब तैयारी करने के नाम से बिया सेट हो जा रहा है, लौंडा भले मुखर्जी नगर में बैठ के सिगरेट से जो है धुएं के बादल बना रहा हो, बाप यहां गांव में 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए बोली लगाना चालू कर दिए। हर साल 8 से 10 लाख लोगों का आवेदन आता है और सीट संख्या 1000 से भी कम है। 2-3 लाख लोग वो होते हैं जो अपने माई बाप का सपना पूरा करने के लिए आए, 3-4 पुस्तक व्यवस्था करने के लिए कि आगे आए तो खा पी लें आराम से। 1-2 लाख लोग वो हैं जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, उनको कुछ फरिया नहीं रहा है कि क्या करें, चलो यूपीएससी तैयारी कर लेते हैं, परीक्षा देंगे। 4 से 5 लाख लोग वो हैं जो नियम पूर्वक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं सरकारी नौकरी की एग्जाम देने का, जिसमें से बचते हैं 50 से 60 हजार लोग, वो लोग हैं जो सरकारी नौकरी इनको नहीं मिली तो उनकी प्रेमिका से उनकी शादी नहीं हो पाएगी, जो बचते हैं वो YouTube पे मोटिवेशनल स्पीकर के स्पीच सुनके परीक्षा देने आ जाते हैं। और हाँ, हर साल जितने लोग आवेदन नहीं भरते उससे ज्यादा साला कोचिंग सेंटर है और हर कोचिंग सेंटर के होर्डिंग पे लगा है कि हमारे यहाँ इन्होंने यूपीएससी निकाला, हमारे यहाँ इन्होंने यूपीएससी निकाला। अरे भाई इस हिसाब से तो तुम्हारा गजब का गणित है, हर साल देश में 50 से 60 हजार यूपीएससी निकालने वाले हैं। हम तो कह रहे हैं अगर पैसा कमाने के चक्कर में तुम यूपीएससी तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने के बाद गुरु एक कोचिंग सेंटर खोल लो, सही बता रहे, दबा के पैसा कमाओगे, बस एक मोटिवेशनल स्पीच रटना है, पांड किताब सजेस्ट कर देना है, सिलेबस ओलबस बता देना है और विश्व मानचित्र थमा देना है बच्चों को, फिर पेल के आराम से पैसा कमाओ। और गलती से तुम्हारे कोचिंग में कोई लौंडा जो है यूपीएससी निकाल लिया तो अधिकारी के मुंह से गुरुजी प्रणाम कहने का सुख भी मिल जाएगा। गुरु मतलब यूपीएससी इतना ज्यादा ओवररेटेड है कि हम आपको क्या बताएं। अब समझिए कि मुट्ठी भर क्रांतिकारी नेता जितने थे उन्होंने नाको चने चबवा दिए अंग्रेजों को, 2 लात मार के लंदन भेज दिए, लेकिन यहां आजादी के बाद हजारों जो है अधिकारी बन चुके हैं, स्टेट वाला ले ले तो लाखों, लेकिन सिस्टम अभी तक देश का बदला नहीं। भाई साहब आप इतना पुराण पढ़े, इतना इतिहास पढ़े, इतना भूगोल पढ़े और बताए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारा बहुत तगड़ा है, कहां गया सिस्टम, हो तो वैसे के वैसे है। तो भैया हमको ना ही बनना है मुखर्जी नगर का नागरिक और ना ही यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस की तरह रहना है, और ना ही हम आईएएस निकाल पाएंगे और ना ही हम रोज रोज झूठ बोल पाएंगे कि भैया हमारा 2 नंबर से रुक गया, भैया हमारा 3 नंबर से रुक गया, अरे चाचा हमको बवासीर हो गया था ना लास्ट टाइम इसलिए मेंस का एग्जाम नहीं दे पाए। पापा लोग आप हमारे मालिक हैं, बस एक बात को समझिए, जैसे देश में सिविल सर्विस है वैसे और भी काम है और उतने ही जरूरी है देश के लिए, बशर्ते नियत होनी चाहिए। और ये कहना बंद करिए माली कि एक बार यूपीएससी निकाल लिए बेटा तो समाज में इज्जत बन जाएगी, और ये समझना चालू करिए कि खुद की इज्जत बनाने के लिए नहीं समाज की इज्जत बनाने के लिए यूपीएससी निकालना पड़ता है। तो अंत में यही कहेंगे कि हे पापा सुनिए, हमको एक्टर बनना है भाई, ये अधिकारी बन के एक्टिंग नहीं करनी देश सुधारने की। प्लीज यार अगर आप लोग ये वीडियो हमारे पापा तक पहुंचा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पापा का फोन आ रहा है, पहुंच गया का? हाँ पापा।
पिसवाने के लिए दिया थे, कब लेने जाओगे? कल जाएंगे। अच्छा सुनो, एसएससी का फॉर्म आया, भर दो फटाक से। अरे यार रखिए, घर आके बात करते हैं।